नाम बताइए और आज आप कहाँ आए हैं, उपलक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्या था यहाँ आने का? मैं आरके जसोत्रा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन और दलित ओबीसी यूनाइटेड। हम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बहुत से साथी आए और ये जो बहुजन संसद 2023 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर उदित राज जो पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन के, उन्होंने की है। कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता आए थे और चर्चा हुई है कि ये जो नई संसद बनी है उसका नाम जो है डॉक्टर अम्बेडकर रखा जाए और आरक्षण पर जो रोक लगी है या EVM जो है या बैकलॉग जो पड़ा हुआ है, निजी क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है, बैकलॉग कितना है, ये सारी चीज़ें जल्द उत्पीड़न जो हो रहा है पूरे देश के अंदर इस पर बड़ी चर्चा हुई है, ठेकेदारी प्रथा में भागीदारी मिले, इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा हुई है और एक प्लान स्ट्रेटजी बनाई गई है। ये आकांक्षा जारी की है कि अगर 2024 में यही गवर्नमेंट नहीं जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका कार्यकाल देखते हुए कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कम हुई हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिए हुए अधिकार, जो पार्लियामेंट में दिए हुए अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अधिकार लगभग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए या होते जा रहे हैं, तो एक डर सा पैदा हो गया है SC ST OBC के अंदर। जैसे डेमोक्रेसी नहीं रही है, राइट्स ऑफ स्पीच नहीं है, राइट्स ऑफ एजुकेशन जो है इतना महंगा हो गया है, कहती की बात नहीं है, इक्वलिटी खत्म हो गई है, आपको रंग भेद कपड़े से पहचाना जा रहा था, खाने के कोड बनाए जा रहे हैं, तो डर पैदा हो गया है पूरे देशवासियों के अंदर, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर। जम्मू कश्मीर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाए हैं, जैसे हमारे यहाँ मंडल कृषि रिपोर्ट जो है 4% है, 5% लागू होना चाहिए था, बैकलॉग हाई लाखों की तादाद में पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन प्रमोशन हमारे मुलाजिम की बंद कर दी गई है, रिक्रूटमेंट इतनी हो नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, SC ST OBC की नुमाइंदगी नहीं है, माइनॉरिटी के अधिकार जो हैं कई लोग जो हैं जेलों में बंद हैं, यूथ जो है जो हमारी असेंबली है वो लगभग खत्म हो चुकी है, यूनियन टेरेटरी बन गई है स्टेट के साथ, स्टेट को रिस्टोर करने की बातें हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा हुई है और एक स्ट्रेटजी प्लान हुई है कि आने वाला जो विंटर सेशन है उसमें इतना बड़ा हजूम पूरे देश के अंदर तैयार किया जाए और इस सरकार को खबरदार किया जाए कि अगर हमारे अधिकार जाते हैं तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वो भी तैयारी करे। ये स्ट्रेटजी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बदल रहा है उस बदलते कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा मुद्दा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है SC ST OBC और माइनॉरिटी के, जो डेमोक्रेसी है वो बचनी चाहिए। जब जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, क्या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सोशल हैं, रिलीजियस हैं, इवन पोलिटिकल पार्टी के लोग भी, सब लोग एकजुट हैं, उन सभी के यही विचार हैं कि जो संविधान के अंदर हमारे अधिकार हैं वो पूरे के पूरे लागू हों, नहीं तो हम जो है आंदोलन करेंगे और अपने जो अधिकार हैं वो वापस लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे आरके जसोत्रा जी, हेलो माय डियर, की बहुजन संसद अटेंड करने के लिए नई दिल्ली में आए थे और यहाँ पर पूरे देश के नेतागण उधारे हुए हैं और सभी जो बहुजन लोगों की डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के आगे अनुरोध कर रहे हैं और अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो ये बड़ा आंदोलन बन सकता है।